नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के रिवेल फोरम से रिलेटेड। काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे लगातार कि रिवेल के फोरम कब शुरू होंगे, कहाँ से भरना है, क्या डेट रहने वाली है, अंतिम तिथि क्या, फीस रहने वाली है, किस हिसाब से भरा जाएगा, फॉरम फीस, हार्ड कॉपी, क्या नंबर बढ़ेंगे, रिवेल, स्क्रूटनी, आरटीआई कहां से भरना है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर फर्स्ट रिवेल फॉरम शुरू हो चुका है। अब जिसको लगता है, जिसके रिजल्ट में असंतुष्टि है कि भाई मैं, मेरा जो रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर का बीए का, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो भैया बिल्कुल आप यहां पर रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं। रिवेल की फीस लगने वाली है, कितने पेपर में आप रिवेल लगाएंगे सारी जानकारी आपको यहां पर आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, रिवेल का फॉर्म शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि की बात करूं तो यहां पर मान के चलिए आप 4 जुलाई अंतिम तिथि है ना, अभी पोर्टल पे भी आपको दिखा दूंगा लास्ट डेट है ना, 4 जुलाई 2024 बीए सेमेस्टर फर्स्ट रिवेल के फॉर्म की अंतिम तिथि। रिवेल क्यों लगाते हैं, अगर आप असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, आपको लगता है कि मैं जितना नंबर का पेपर करके आया था उस हिसाब से नंबर देखने को नहीं मिल रहे, नंबर कम लग रहे हैं, तो बिल्कुल आप रिवेल लगा सकते हैं। लेकिन रिवेल का फॉर्म जब भरने जाते हैं तो आपको 3 वर्ड देखने को मिलते हैं वहां पर, रिवेल, स्क्रूटनी और आरटीआई। अब कौन सा लगाए भैया और नंबर किस में बढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिवेल, रिवेलेशन फॉरम जो होता है, रिवेल जिसको बोलते हैं जिसमें नंबर बढ़ते हैं, वो ये रहा। इसमें क्या होता है, पूरी कॉपी चेक होती है, एक तरीके से सारी चीजें देखी जाती है, गणना भी हो जाती है, कॉपी चेक भी होती है, कहीं कोई पेपर क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। बात करें स्क्रूटनी में क्या होता है, केवल आपकी मार्किंग चेक होती है कि जो कॉपी चेक हो चुकी उसमें कहीं टोटल वगैरह में गड़बड़ तो नहीं हुई, बाहर जो नंबर दिए हुए हैं उस हिसाब से कहीं गड़बड़ नहीं हुई टोटल वगैरह में, वो सारी जानकारी यहाँ पे चेक होती है। आरटीआई की बात करूं, यहाँ पर आप कॉपी मंगवा सकते हैं घर पे ध्यान रखें, लेकिन इसमें नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको आरटीआई के साथ में रिवेल लगाएंगे तो ही नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, केवल आरटीआई लगाएंगे तो नंबर नहीं बढ़ेगा, केवल घर पे कॉपी पहुंचेगी, ठीक है। आपकी जो आप करके आए थे यूनिवर्सिटी की उसकी हार्ड कॉपी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात करें रिवेल अकेला लगाते हैं तो इसमें नंबर बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं। स्क्रूटनी में केवल आपका नंबर टोटल होता है, अगर टोटल नंबर में कहीं गलती हो रही है मार्किंग वगैरह में तो आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर बढ़ने से रिलेटेड, लेकिन ज्यादा चांस यहीं पर रहता है रिवेलेशन फॉरम, तो लगाना चाहिए रिवेलेशन फॉरम ही। बात करते हैं कि भैया फॉरम इसका चालू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं, उसको भी दिखाऊंगा कहां से भरना है, वो सारी चीजें अभी देख लेंगे ना साइट पर। 4 जुलाई 2024 अंतिम तिथि रहने वाली। फीस की बात करें, देखो भैया फीस सभी की अलग अलग होती है, रिवेल की 430 रुपए पर पेपर रहती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कितने पेपरों में रिवेल लगा सकते हैं, तो देखो भैया 50% पेपरों में आप रिवेल लगा सकते हैं, यानी किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 6 पेपर हैं तो आप 3 में रिवेल लगाएंगे, अगर 8 पेपर हैं तो आप 4 में रिवेल लगा सकते हैं, ध्यान रखें। अब लगा सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे को तो 1 में ही लगाना है तो आप 1 में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये ध्यान रखें 50% पेपरों से ज्यादा पर आप रिवेल नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक वही स्क्रूटनी का है, वही आरटीआई का रूल है। इनकी फीस अलग अलग होती है, स्क्रूटनी की 180 रुपए फीस होती है और इसकी 580 रुपए फीस होती है, ठीक है। तो इसमें कॉपी घर पे आती है इसलिए ज्यादा पैसे लेते हैं भैया। स्क्रूटनी में फीस केवल मार्किंग वगैरह चेक होती है, 180 रुपए पर पेपर होती है, रिवेल में 430 रुपए पर पेपर होती है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। फॉरम हो गया, फीस हो गया, हार्ड कॉपी बात हो गई है ना, हार्ड कॉपी के भी फॉरम जो भरेंगे वो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी जमा करवानी पड़ेगी क्या? देखो भैया कोरोना से पहले होता था ऐसा, हार्ड कॉपी जमा करवाने जैसा, अब नहीं होता, अब केवल आपको मित्र पे फॉरम भरना है ऑनलाइन और उसके बाद में खुद के पास में रख लेना संभाल के, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड, तो ये तो जानकारी होगी जो भी आपको चाहिए, जो मेरे को समझाने की यहाँ पे थी। अब चलते हैं सीधे वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट पे समझा देता हूँ सारी चीजें, कहाँ से क्या फॉरम भरना है जो है ना, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है भैया आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट UNIRAJ जब आप लगाते हैं तो ऐसा पोर्टल आपको देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि हम सेमेस्टर के विद्यार्थी, हमारे लिए नोटिस कहां से आएगा, तो पैनल फॉर एनईपी 2023-24 इस पे जब जाते हैं पोर्टल खुलेगा आपका सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का, ध्यान रखें ये आ गया पोर्टल। अब इसमें देखो एक और यहाँ पे आ रहा है पुनर्मूल्यांकन, रिवेलेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रिवेलेशन वाले पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएंगी वो सभी डेट्स, किस किस के रिवेलेशन फॉरम अभी चालू है, कहां से फॉरम भरना है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो अब ये जहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, बीए सोशियोलॉजी, बीए इंग्लिश, बीए फिलोसफी, बीए हिस्ट्री, ये होनर्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपका कोई काम नहीं है, वॉइस वगैरह थोड़ा सा लैग कर रहा हो तो देख लेना भैया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सही आ रहा है वॉइस, कई बार यार हिल जाता है तार है ना। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, होम साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह, इन सभी से रिलेटेड देख लेना, ये तो होनर्स से रिलेटेड है। अब आपको चाहिए भैया पास कोर्स का, अब आपको चाहिए पास कोर्स से रिलेटेड, यार वॉइस क्यों दिक्कत करता है, अब सही आ रहा होगा वॉइस एक बार देख लेना ना, आपको चाहिए पास कोर्स से रिलेटेड, आपको चाहिए पास कोर्स से रिलेटेड। अब समझ में आया, थोड़ा सा दूर से आ रहा है,
आपको चाहिए पास कोर्स से रिलेटेड, तो बीए सेमेस्टर फर्स्ट विद्यार्थियों का यहाँ पर देखो 4 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है। ये किसकी है? रिवेल की लास्ट डेट, स्क्रूटनी की लास्ट डेट ये रही, और आरटीआई की लास्ट डेट हमेशा ज्यादा होती है, तो ध्यान रखिए ये रहा 19 जुलाई। फॉर्म कहाँ से भरना है? यहाँ से लॉगिन करेंगे आप, देखो यही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, लॉगिन कर दो किसी को भी, है ना, अपना यूजर आईडी पासवर्ड लगाएंगे, ओपन हो जाएगा। उसके बाद में क्या क्या स्टेप आएंगे उसके बारे में चलो मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। वो भी मेरे पास पीडीएफ, मैंने किसी की यूजर आईडी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया था। हाँ, जब यूजर आईडी आप ओपन करेंगे तो ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एग्जाम फॉरम, एडमिट कार्ड, चेक, ड्यू फीस और रिवेलेशन। तो रिवेलेशन पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, रिवेल, स्क्रूटनी और ये बात करें एप्लीकेशन फॉरम फॉर आरटीआई, है ना। तो आपको रिवेल पे लगाना है तो फिल फॉरम कर लेना और प्रिंट कर लेना, ठीक है। फीस वही मैंने आपको बता रखी है, देखो भैया हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी, देयर इज नो नीड टू सबमिट द हार्ड कॉपी, कोई आवश्यकता नहीं है। रिवेल की 430 रुपये फीस है और 50% पेपर में आप रिवेल लगा सकते हैं। और जो कंप्यूटर वगैरह जो वेल एक तरीके से कहूँ जो ओएमआर सीट पे जो पेपर हुआ था जो एग्जाम लगे थे उसका मतलब कि आप रिवेल नहीं लगा सकते, और 15 दिन तक आपकी लास्ट डेट रहती है ध्यान रखें, तो आपकी 4 जुलाई अंतिम तिथि रहने वाली है, ठीक। वही स्क्रूटनी की 180 रुपये फीस है, बात करें यहाँ पर देखो 580 रुपये फीस है किसकी, या आपके आरटीआई वाले की 580 रुपये है। तो ध्यान रहे ये अपडेट थी रिवेल रिजल्ट से रिलेटेड। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कहीं कोई गलती अगर उम्मीद लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, रिवेल में आपको करनी नहीं है गलती कोई भी, फॉरम ध्यान से भरना है और एक बार सोच लेना किन किन में टिक लगाना है, तो फिर उस हिसाब से एक बार में फॉरम आप टिक कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि एक में अब लगा दिया, एक में कल सामने लगा देंगे, वह नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा आपको फॉर्म लगाना है तो एक बार सोच लेना भाई कहाँ कहाँ क्या लगाना है, फिर अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।